लगता है वो आ गए। आप आ गए? हाँ, मैं आ गया। कौन है आप? बहुत जल्दी जान जाओगी, मैं काम छोड़ो मुझे, छोड़ो। इतनी भी क्या कौन हो तुम? है? छोड़ो मुझे, आओ तो छोड़ो, ओह, छोड़ो मुझे, कौन हो? बचाओ, बचाओ! देखो, आगे नहीं बढ़ना, आगे मत बढ़ना, मैं कूद जाऊंगी। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुण प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्तोममुतरुद्रम्। जीतलो बेटे, बेटे दीपक, आस्था मेरी बहन पूर्णिमा की बेटी है। इसके माता पिता के मरने के बाद मैंने ही इसे अपनी औलाद की तरह पाला, लिखाया, पढ़ाया। आज मैं इसका ब्याह करके एक बहुत बड़े बोझ से मुक्त हो रहा हूं। मैंने तुझ पे भरोसा करके इसका हाथ तेरे हाथ में दे रहा हूं। मुझे वचन दे बेटा, मुझे वचन दे कि तू कभी आस्था को कोई तकलीफ नहीं देगा। मैं आपके वादे की लाज रखूंगा। आपने मुझ पर विश्वास करके आस्था का हाथ मेरे हाथ में दिया है। रघु मामा, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आस्था के जीवन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मामा, मैं आस्था के सुंदर रूप पर मोहित हुआ, मैं आस्था से ब्याह करके धन्य हुआ। मामा, धन्य हुआ। हां मामा, मामा, मैं आस्था को पत्नी नहीं, अपने दिल की रानी बना के रखूंगा। बस दीपक, बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बेटे, कुछ नहीं चाहिए। अब तो मैं चैन से मर सकूंगा। मामा, जा मेरी बच्ची, जा। आज मैं तुझे तेरे पति और भगवान के हवाले कर दिया है। जा मेरी बच्ची, जा, जा, जा। गुड इवनिंग सर। आओ जोसफ। एक मिनट, आपने तो मुझे कहा था कि आप अपने घर ले जाएंगे, ये आप मुझे कहां ले आए? अरे भाई, झूठ थोड़ी कहा, यही तो मेरा घर है। ये घर, ये तो लॉज लग रहा और है। और मैं इस लॉज का मैनेजर हूँ,
यहाँ के मालिक ने मुझे बहुत ही बढ़िया कमरा दिया, एयर कंडीशन वाला, अटैच बाथरूम के साथ। और सुनो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं अपनी रानी बना के रखूंगा। और खाना तुम नहीं बनाओगे आज के बाद, खाना हमारी मर्जी का होगा और वो भी सीधा लॉज के किचन से आएगा। आओ। वेलकम सर। जी आइए 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 मैनेजर साहब आइए, शादी बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते जी। ये है मेरा दोस्त संपत। मैनेजर साहब दाद देता हूं आपकी पसंद की, अगर चांद सितारे भी इन्हें देख लें तो वो भी शर्म आ जाए। वैसे भी मैनेजर साहब एक बात मैं आपको सच सच बताऊं, आपकी धर्म पत्नी सर से पांव तक दहेज ही दहेज लगती। सॉरी मैं जरा जल्दी में हूं, सुबह मुलाकात होगी। आओ। रुक जाओ आस्था, आस्था क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ किसी ने मेरा नाम पुकारा। आस्था तुम अभी अभी तो यहाँ पर आई हो, यहाँ तुम्हारा कोई नाम भी नहीं जानता। रिलैक्स। हाँ। आओ मेरे साथ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। कमाल है, आते वक्त तो मौसम इतना अच्छा था, ये अचानक मौसम को क्या हो गया? आस्था तुम यहीं पे रुको, मैं खिड़की बंद करके आता हूं। मुझे नहीं मालूम, मैंने किसी को देखा है दीपक, प्लीज ये सब क्या हो रहा है? ठीक है आओ मेरे साथ। नहीं, नहीं। आस्था आओ मेरे साथ, वहाँ कोई है। आओ।
आओ आस्था, आस्था ये गाउन, आस्था ये गाउन मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया था। लेकिन वो ये तुम्हारा भ्रम है आस्था। और सुनो, तुम नहा धोकर के तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूं। ओके। आस्था वापस चली जाओ यहां से, वापस चली जाओ यहां से। आस्था, आस्था, दीपक, आस्था, दीपक, दीपक, वहां बाथरूम में गाउन नहीं है और कोई मुझे बार बार यहाँ से जाने को कह रहा है। आस्था क्या कह रही हो तुम, कौन हो सकता है वहां पर? सच कह रही हूँ, पता नहीं कौन है वहां पर। ठीक है, आओ मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं नहीं आऊंगी। आस्था प्लीज आओ मेरे साथ। दीपक, आस्था तुम अच्छा मजाक कर लेती, मैं और तुम्हें पूरा हक है मजाक करने का। लेकिन दीपक मैं मजाक नहीं कर रही थी, इसमें कोई था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। और वैसे भी तुम्हारे लिए नया माहौल है। और सुनो आस्था, तुम लंबे सफर से आई हो, थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर दिनेश महिंद्रा का बिल आया? अरे दीपक भाई, आप अपनी नई नवेली दुल्हन को ऊपर अकेला छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अरे संपत, हम लोग लंबे सफर से आए थे, वो थक गई है, आराम कर रही है। ओ आई सी, वैसे भल्ला साहब आए हुए, आपको याद कर रहे थे। हाँ भाई, याद क्यों नहीं करेगा, पुराना कस्टमर है हमारा, मैं उसे बात करता हूं। संपत, फोन लगा। हेलो, भल्ला साहब, दीपक बोल रहा हूं। हाँ दीपक भाई, अभी मैं तुम्हें याद कर रहा था। भल्ला साहब, आपके आने की खबर मुझे संपत ने दी है। वो क्या है कि मैं आज ही लौटा हूं ना शादी करके। हाँ, ये खुशखबरी मुझे संपत ने दी, मुबारक हो भाई। अच्छा एक बात तो बताओ, अपनी दुल्हन से हमें कब मिलवा रहे हो? जब आप चाहें। दरअसल मैं एक दो दिन बिजी हूँ, उसके बाद फुर्सत ही फुर्सत। क्यों भल्ला साहब, अपना आदमी समझ के मुझे फोन करते रहिएगा। ओके ओके। आस्था, तुम यहां खुश तो हो ना? क्यों, आप मुझे यहां लाकर खुश नहीं हैं? मेरे बारे में क्या पूछती हो, मैं तो खुशी के सागर में डूब चुका हूं। तो बस आप खुश तो मैं भी खुश। दिल से कह रही हो? हाँ, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे पसंद किया, मुझसे शादी की, वरना एक बिन मां बाप की गरीब लड़की से कौन शादी करता? नहीं आस्था, ऐसा मत कहो, कौन कहता है कि तुम गरीब हो? आस्था, तुम्हारे पास रूप और गुण की दौलत है, खुश नसीब तो मैं हूं कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है। आप बहुत अच्छे हैं, एक वादा कीजिए। बोलो। ये प्यार कभी कम तो नहीं होगा ना? आस्था, मैं इतना खुश हूं कि समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या क्या कहना चाहते हैं। यही, हम दोनों के बीच में तीसरा कौन है? तीसरा कौन है यहां पर? ये खुशी की बज्म में जलने वालों का क्या काम है? मैं आता हूं।
डॉक्टर साहब वो देखिए मैम उनके सर पे चोट बहुत गहरी है लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। आज रात उन्हें यहीं रखना पड़ेगा अस्पताल में। क्या मैं उनके पास रह सकती हूँ? सॉरी मैम उनके पास किसी को रहने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर साहब चलिए भाभी मैं आपको घर छोड़ दूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन यहाँ रहने की जगह नहीं है भाभी, प्लीज कुछ भी कीजिए, मुझे यहीं रहना है। मैं सुबह दोबारा आपको यहाँ ले आऊंगा, आप इस वक्त चलिए भाभी, प्लीज प्लीज भाभी चलिए। जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती, मैं तो तुम्हें बर्बाद होने से बचाना चाहती हूँ। और जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता था वो तो अस्पताल चला गया। कौन हो तुम और ये सब क्या कह रही हो? वो भला मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगा, बल्कि एहसान किया है उन्होंने मुझ पर। मैं एक गांव की गरीब लड़की, माँ बाप के मरने के बाद मेरे मामा ने मुझे पाल कर बड़ा किया। वहां तो कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला भी नहीं था। इन्होंने मुझसे शादी करके मुझे एक नई जिंदगी दी है। नहीं आस्था, नहीं, ये झूठ है। उसने तुम्हें नई जिंदगी नहीं दी, बल्कि वो तो तुम्हारी जिंदगी को नरक में ढकेलने वाला है। ऐसा क्यों कहती हो तुम? वो तो मेरा देवता है। उसने मुझे गरीबी के नरक से लाकर इस स्वर्ग में रखा है, उद्धार किया है मेरा उसने। ये तुम्हारा कमीना देवता, न जाने तुम जैसी कितनी मासूम भोली भाली गरीब लड़कियों का उद्धार कर चुका है। ऐसा कह रही हो तुम, क्यों? इसलिए कह रही हूं कि तुम्हारी ही तरह एक दिन मैं भी उसकी दुल्हन बनकर इसी कमरे में आई थी। ये पलंग जिस पर तुम अपनी सुहागरात मनाने का सपना देख रही हो, मैंने भी तुम्हारी तरह एक सपना देखा था। वो गांव आया था, हमारे गरीब माँ बाप ने उसे अच्छा और नेक आदमी समझकर मेरा हाथ उसके हाथों में दे दिया था। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। दीपक बाबू, गरीब की बेटी है, आपने इसका हाथ पकड़कर हम पर बड़ा उपकार किया है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है
रोती हुई आपके साथ जा रही है, हंसती हुई इसे अपने साथ ले आना। दिनू काका, मैं भी कभी गरीब था, बचपन में ही माँ बाप ने मेरा साथ छोड़ दिया, बड़े कष्ट उठाकर मैं कुछ बन पाया हूं। जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज की कमी थी जो सावी ने पूरी कर दी है। आप मेरा विश्वास करें दिनू काका, सावी मेरे घर पर ही नहीं मेरे दिल पे भी राज करेगी। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। आओ सावी। आप यहां रखेंगे मुझे? तुम्हें रखूंगा नहीं, तुम्हारे साथ मैं भी रहूंगा। मगर ये तो लॉज है, घर नहीं। सावी, लोगों के लिए लॉज है मगर मेरे लिए तो ये घर है। बहुत पैसा देना पड़ता होगा ना यहाँ रहने के लिए? देना तो पड़ता है। तो इतना रुपया बर्बाद करने की बजाय आप अपना छोटा मोटा घर क्यों नहीं ले लेते? सावी, पहले मैं एकदम अकेला था, मुझे घर की जरूरत थी नहीं। अब तुम आ गई हो, मैं बहुत बड़ा घर ले लूंगा, बस तुम्हारा साथ चाहिए। देखिए, अग्नि के साथ फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया है, अर्धांगिनी हूं आपकी। सावी, तुम्हें पत्नी के रूप में पाके मैं धन्य हो गया, बस अब मुझे अपने पति होने का फर्ज निभाने दो। और आपका क्या फर्ज है? मेरा ये फर्ज है कि आपके लिए खाने का इंतजाम करूं, वो भी लॉज के किचन से। तुम नहा धोकर के फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आता हूं। जल्दी आना। बस अभी गया और अभी आया। ओके। मन में अरमानों की सेज सजाए मैं बड़ी बेचैनी से अपने पति का इंतजार कर रही थी। अरे, ये अचानक बिजली को क्या हो गया? लगता है वो आ गए। आ गए आप? कौन है आप? एक क्लाइंट, ग्राहक। देखिए, ये मैनेजर साहब का कमरा है और मैं उनकी बीवी सावी हूँ। अच्छा, तो आजकल टल्ले भी मैनेजर बन गए? क्या मतलब है आपका? सुनो, मैं बात को घुमाकर नहीं कहूंगा। जिसे तुम अपना पति समझती हो उसका नाम दीपक है, पेशेवर दलाल है और उसका धंधा है हम जैसे लोगों को लड़कियां सप्लाई करना, और इस लॉज में यही होता है और कुछ नहीं। ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोलते हैं, निकल जाइए इस कमरे से। कौन ऐसा नहीं है? मैंने तो इस रात की और तुम्हारी कीमत तुम्हारे पति को दे दी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यकीन नहीं आता? ठीक है, उस खिड़की पर जाओ, जाकर देखो नीचे तुम्हारा सो कॉल्ड पति नोट गिन रहा खड़ा होकर। जाओ। देखो, हो गई तसल्ली? क्यों, आ गया ना यकीन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो होगा ही, अब तुम यहां से नहीं जा सकती। कैसे नहीं जा सकती? मैं खुद जाकर उनसे पूछूंगी।
ये क्या कर रहे हो? देखिए मुझे जाने दीजिए प्लीज। देखो अब ये नाटक छोड़ो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। छोड़िए छोड़िए मुझे, देखिए देखिए मैं गरीब घर की लड़की हूँ, मुझे जाने दीजिए। मुझे जाने दीजिए। दीपक दीपक प्लीज, दीपक दीपक दीपक, मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इधर आ, छोड़ दो मुझे प्लीज। अब नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दो मुझे। पूरा मजा लेके नहीं जाऊंगा मैं। दीपक दीपक छोड़ो, दीपक दीपक। रुको, मैं कहता हूँ रुक जाओ। रुको, देखो रुक जाओ, मेरी बात सुनो। देखो आगे नहीं बढ़ना, मैं कूद जाऊंगी। इसको बुलाना चाहिए। भाई साहब कौन है ये? पता नहीं भाई साहब। बेचारी, क्या आप पहचानते इसे? मुझे क्या पता। मैंने इसी लॉज की छत से गिर के दीपक के सामने अपना दम तोड़ दिया। मैं समझ नहीं पा रही हूं ये सब हकीकत है या सपना। आस्था, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। जिस सदमे और तकलीफ से मेरी जान निकली है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मेरी आत्मा भटक रही है उन लोगों से बदला लेने के लिए जो मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। आस्था, तू भी मेरी ही तरह यहां आई है। ये कमरा न जाने कितनी औरतों की इज्जत की समाधि बन चुका है। जो लड़कियां इन भेड़ियों के इशारों पर चलती हैं वो जिंदगी भर बेइज्जती के नरक में घुटती चली जाती हैं, और जो लड़कियां इनके इशारों पर नहीं चलती वो मेरी ही तरह आत्मा बन जाती हैं। सावी, शायद तुम्हारी तरह मुझे कमजोर और अनाथ समझकर दीपक ने मेरा हाथ पकड़ा। पति मेरे लिए परमेश्वर है, लेकिन अगर परमेश्वर भी मेरी इज्जत का सौदा करे तो मैं चंडी का रूप धारण करती हूं। लेकिन फिर भी तू बहुत कमजोर है इन दरिंदों के आगे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मैं? आस्था, तू मेरी तरह अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। मगर फिर भी तुझे हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। अभी तो दीपक अस्पताल में है, लेकिन जब वापस आएगा तो अपना कारोबार शुरू कर देगा और उसका पहला सौदा तेरा होगा। नहीं आस्था, अब के बार वो अपने इरादों में कामयाब नहीं होगा। ना तो वो तेरी इज्जत का सौदा कर सकेगा और ना ही तुझे मरने पर मजबूर कर सकेगा।
क्योंकि तेरा जिंदा रहना मेरे लिए जरूरी है। मैं तेरे जरिए इन अपराधियों को सजा देना चाहती हूं, अपने कातिलों से बदला लेना चाहती हूं। सावी, इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये सवाल एक औरत की इज्जत का है, उसके सम्मान का है, उसकी आबरू का है। चंद रुपयों के लालच में भोली भाली शरीफ लड़कियों को बाजार में बिठाने वाले दलालों को इस समाज से खत्म हो ही जाना चाहिए। मैं इस समाज से इस नासूर को खत्म करने में तुम्हारा साथ जरूर दूंगी सावी, जरूर दूंगी। बस आस्था, यही सुनना चाहती थी मैं। अब तू देख मैं क्या करती हूं। आस्था, संपत आ रहा है। नहीं, ये दीपक का खास आदमी है, इससे होशियार रहना। वो संपत जी, नहीं अंदर से आवाजें आ रही थी इसलिए चलाया। ऐसे भाभी आप होटल में अकेली हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है आपकी देखभाल करना। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं किससे बातें करूंगी? फिर वो आवाजें शायद आपके कान बज रहे होंगे। ओ, अब आप जा सकते हैं, मुझे नींद आ रही है। आप सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक पुराने मामले के बारे में बात करनी है। पुराना मामला? जी इंस्पेक्टर साहब, आपको याद होगा आज से 2 साल पहले लवली लॉज की छत से कूदकर एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी। जी हाँ, अच्छी तरह से याद है मुझे, वो मामला मेरे ही हाथ में था। लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी और उसने खुदकुशी क्यों की। इंस्पेक्टर साहब, उसने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसको मरने पर मजबूर किया गया था। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कदम उठाया। क्या आप उस लड़की को जानती हैं? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो माधवपुर की एक गरीब लड़की थी। उसकी गरीबी का फायदा उठाकर, उसे खुशहाल और अच्छी जिंदगी का सपना दिखाकर दीपक उससे शादी करके शहर ले आया। नवनी लौटी उस कमरे में, फिर किसी बहाने से वो उसी कमरे में अकेली छोड़कर बाहर चला गया। वो बेचारी उसका इंतजार कर रही थी। जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसे लगा कि उसका पति लौट आया है। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वहां कोई और खड़ा था, जो उसके शरीर की कीमत देकर उसके साथ रात गुजारने आया था। इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की शरीफ थी, उसे ये मंजूर नहीं था, लेकिन फिर भी उस इंसान ने उसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए छत की तरफ दौड़ी, पीछे पीछे ये जल्लाद भी पहुंच गया। उसके पास वहां से बचकर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा इंस्पेक्टर साहब, और उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन ये सब बातें आपको कैसे मालूम हुई? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब, मैं उसी दीपक की दूसरी पत्नी हूं। वो 2 दिन पहले मुझसे शादी करके मुझे उसी लॉज में ले आया, उसी कमरे में। चलो मैंने ये भी मान लिया, लेकिन आपको ये सब बातें किसने बताई? और अगर आपका बयान सच भी है तो इन बातों का कोई सबूत होगा आपके पास? इंस्पेक्टर साहब, मैं हर सबूत दूंगी आपको, क्योंकि अगर मैं सबूत ना दे सकी तो मेरा भी वही हश्र होगा जो उस लड़की का हुआ था। जी नहीं, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और अगर आप कहें तो मैं दीपक को गिरफ्तार भी कर सकता हूं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप, क्योंकि अगर आपने उसे गिरफ्तार कर लिया तो हमें कोई भी सबूत नहीं मिल सकेगा। मुझ पर भरोसा करके
मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज, मैं खुद आऊंगी आपके पास। मैं अभी चलती हूं। ओके। गजब हो गया। क्या हुआ? क्या मैंने अभी अभी आस्था भाभी को पुलिस स्टेशन में देखा। क्या बक रहा तू? हाँ हाँ, मैं बक नहीं रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। पता नहीं वो क्यों गई थी पुलिस स्टेशन। तेरा दिमाग खराब हो गया संपत। अरे मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? यकीन करूं? वो देख कौन है वो। आस्था भाभी, ये दो घंटे से यहाँ मौजूद है। आप मुझे लेने लॉज में आए नहीं, फिर मैं अकेली चली आई। ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी तो पुलिस स्टेशन में देखा था। संपत, हाँ। मेरे करीबा, दोबारा ऐसी गलती करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? सुनिए, डॉक्टर ने कहा बाकी तबीयत ठीक हो गई है, हम लोग आज हॉस्पिटल से जा सकते हैं। मेरे जाने का इंतजाम कर, जा। ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। जिसे मैंने पुलिस स्टेशन में देखा था वो जरूर आस्था थी। यस। अकेली आई हो? दरवाजा बंद नहीं करोगी संपत? करूंगा, लेकिन मुझे सच सच बताओ कि पुलिस स्टेशन में मैंने तुम्हें देखा था ना? हाँ। हाँ? मगर मगर तुमने तो अपने पति के सामने तुम्हें झुटला दिया है ना? मगर क्यों? क्योंकि मैं पुलिस स्टेशन ये रिपोर्ट करवाने गई थी कि उस लड़की की मौत खुदकुशी नहीं थी। किस लड़की की बात कर रही हो तुम? वही लड़की जो राक्षस भल्ला के हाथों अपनी इज्जत बचाने के लिए उस लॉज की छत से कूद कर मर गई। मैं पूछता हूं कि किस लड़की की बात कर रही हो तुम? इतनी जल्दी भूल गई सावी को? सावी? हाँ सावी, और इस गुनाह में दीपक और भल्ला के साथ तुम भी शामिल थे संपत। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, बकवास है। लेकिन लेकिन तुम तो नहीं नहीं आई हो, तुम्हें ये सब किसने बताया? चाहे जिसने भी बताया हो संपत, पर ये सच है। दीपक और भल्ला को उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, पर तुम किस लालच में ये जलील हरकतें करते रहे? ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? अब ये बातें उल्टी हो या सीधी, पुलिस तक हर बात पहुंच चुकी है। मैं ये सब बातें दीपक को बता दूंगा। यहां से जा सकोगे तुम? हाँ, क्यों नहीं जा सकूंगा? तू मुझे रोक सकेगी क्या? मैं जानता हूं कि तू दीपक को बिना बताए यहां आई है। अगर उसे पता चल गया तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो तुझे ढूंढ रहा होगा। उस वक्त तूने मुझे झूठा ठहरा दिया था, लेकिन अब देखता हूं कि तू मुझे झूठा कैसे ठहराती है। दरवाजा खोलो। रुक जा संपत। सावी तुम? हां मैं। अब तो तू किसी बात से इनकार नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं। कितनी औरतों की दलाली खाई तूने, कितनी मासूम और भोली भाली लड़कियों की इज्जत के सौदे करवाए तूने। लानत है तेरी जिंदगी पर कमीने, अगर तू जिंदा रहा तो न जाने कितनी लड़कियां बर्बाद होंगी।
तेरा मर जाना ही बेहतर है। मैंने कुछ नहीं किया। पास ही है, मेरे पास ही है ना। उस दिन कहीं का खौफ से ही मर गया। आस्था, तुम यहां आकर खुश तो हो ना? जहां मेरा पति है वही खुशियों का मेला है मेरे लिए। पर मैं पति होने का कर्तव्य कहां निभा पाया? जब से तुम्हें यहां लेके आया हूं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। पता नहीं कौन सी पनौती लग गई है। पर अब तो आप सही सलामत घर लौट आए हैं ना? हाँ। एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बुरा? और तुम्हारी बात का क्यों मजाक करती हो? मैं ये कह रही थी कि आपने इस लॉज को अपना घर बना रखा है। भाई मैं यहां काम करता हूं तो यहीं पे रहूंगा ना, और वो भी बड़े ठाट के साथ। वो तो ठीक है, पर अपने घर का सुख कुछ और होता है ना? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब ये था कि आप ये नौकरी छोड़कर कोई अपना कारोबार क्यों नहीं शुरू करते? एक ऐसा कारोबार जिसमें चार पैसे कमाकर हम अपना घर खरीद सकें। आस्था, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी है, मगर तुम तो जानती हो कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत होती है, और मेरे पास इतना पैसा है नहीं। आप इतने बड़े आदमी हैं तो आपके दोस्त भी बड़े बड़े आदमी होंगे, है ना? हाँ हाँ, बहुत बड़े बड़े दोस्त हैं मेरे, लखपति करोड़पति। तो आप उनकी मदद लेकर अपना कारोबार शुरू कर लीजिए। आस्था, पैसा देने को तो कोई भी दे देगा, मगर बदले में वो हमसे कुछ ना कुछ मांगेगा। अब ये तो कारोबार का उसूल है ना, इस हाथ ले उस हाथ दे। तुम बात तो बहुत बढ़िया कर रही हो, मगर ये सब होगा कैसे? अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम और मेरी मदद? आप ये बताइए कि आपका सबसे अच्छा और रईस दोस्त कौन है? वो प्रकाश भल्ला साहब। अरे बहुत पैसा है उनके पास, कहां कहां कारोबार नहीं है उनका, बनारस में, कलकत्ता में, यहां मुंबई में। तो आप एक बार मुझे उनसे मिलवा दीजिए। तुम उनसे मिलोगी? क्यों नहीं, बात आपकी है, आपकी तरक्की की है, आपको आगे बढ़ाने की है। आस्था, ये जो पैसे वाले कारोबारी लोग होते हैं ना, ये बहुत ही रंगीन मिजाज के होते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। क्या? भाई ऐसे लोगों को शीशे में उतारना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? आप एक बार मुझे उनसे मिलवाइए तो सही, फिर देखिएगा। लगता है तुम मेरे सारे सपने पूरे कर दोगी। आस्था, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो इस जन्म में मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। आप ये झूठी तारीफ मत कीजिए, जाइए मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाइए, मुझे नींद आ रही है। मैं बस अभी गया और अभी आया।
आस्था, आस्था, आस्था वो अंदर। क्या हुआ? आपको इतना पसीना क्यों आ गया? नहीं, नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। आस्था मैं जरा बाहर होके आता हूं। आज ही मैं तुम्हें याद कर रहा था, इतने दिनों बाद काम से फुर्सत मिली है मुझे, तो फिर कब मिला रहे मुझे अपनी नई दुल्हन से? भल्ला साहब ये तो कमाल हो गया, मैंने जैसे ही अपनी पत्नी आस्था से आपका जिक्र किया वो तो खुद उतावली होगी आपसे मिलने के लिए। अब भल्ला साहब वो तो खुद आपसे मिलना चाहती है। अच्छा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप कहें तो उसे ऑफिस में ले आऊं। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मरवाओगे मुझे? लोग उसे यहां देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? दीपक ये ऑफिस है, काम करने की जगह। हाँ अगर मिलवाना ही है तो कहीं बाहर मिलवाओ मुझे। भल्ला साहब आप जहां कहेंगे मैं उसे वहां ले आऊंगा। अच्छा ये बताओ उसे सब कुछ ठीक से समझा दिया है ना? भल्ला साहब उसे समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझदार है। हाँ तुम लोग हर औरत के बारे में ऐसा ही कहते हो। भल्ला साहब औरों में और आस्था में बहुत फर्क है, जब आप उसे मिलोगे ना तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। तो ठीक है ले आओ उसे ग्रीन व्यू होटल में। कब? कब क्या? आज दोपहर को। भला साहब कैसी लगी मेरी दुल्हन? भाई तारीफ करना मुश्किल हो गया है, बेहद हसीन है तुम्हारी दुल्हन। शुक्रिया भला साहब। दीपक ने क्या नाम बताया था तुम्हारा? आस्था। हाँ आस्था, कितना खूबसूरत नाम है। नाम खूबसूरत है या नहीं ये तो पता नहीं, पर आपकी तारीफ करने का अंदाज बहुत खूबसूरत है। अरे रे 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 रे। क्या हुआ? आस्था मैं तो भूल ही गया था, मुझे किसी खास आदमी से मिलना था। भला साहब आप दोनों बातें कीजिए, मैं काम निपटा कर आता हूं। ठीक है मैं चलूंगा आस्था। हाँ जाइए। आस्था ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? भाई तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मैं पहली बार मिल रहा हूं तुमसे, मेरी तरफ से मुंह दिखाई समझ लो। शुक्रिया भला साहब, आप काफी दिलचस्प इंसान मालूम होते हैं। शुक्रिया। एक बात कहूं आस्था? जी। तुमसे मिलकर समझो मैं अपने दिल का चैन खो बैठा। सब कुछ एक ही मुलाकात में खो देंगे क्या? हाँ? मेरा मतलब क्या फिर मिलने का इरादा नहीं है? अरे मिलने की बेताबी तो और बढ़ेगी आस्था। जादू तो आपकी शख्सियत में है भल्ला साहब। आस्था मैं तुम्हारे पास आकर बैठ सकता हूं? आस्था ये मुलाकात और लंबी नहीं हो सकती?
अभी नहीं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं खुद चली जाऊंगी। फिर कब मिलोगी? जब आप कहें। आज रात को? रात की मुलाकात इतनी जल्दी नहीं। तो कल दिन में? ठीक है, इसी समय इसी जगह पर बिल्कुल अकेली आऊंगी मैं। किस खान से निकाल के ला है रे तू हीरा दीपक? सावी तुम? हाँ, अभी अभी प्रकाश मल्ला से मिलकर आ रही हूं मैं। वो तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ। मुझसे? हाँ, मैं तुम्हारा रूप धारण करके दीपक के साथ उससे मिलने गई थी। वो तो तुम्हारे रूप पर मर मिटा है और अब वो तुम्हें हर कीमत पर हासिल करना चाहेगा। ये तुम क्या कह रही हो सावी? हाँ आस्था, मैं यही चाहती हूं। अब इस खेल में तुम्हें क्या करना है और मुझे क्या करना है मैं तुम्हें समझा दूंगी। आस्था, ये वही भल्ला है जिसे सुहागरात के दिन दीपक ने भेजा था मेरी इज्जत का सौदा करके। इसी दरिंदे की वजह से मैंने खुदकुशी की। जी तो चाहता था कि उसी वक्त उसे खत्म कर दूं, लेकिन ये सोचकर कि हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा मैंने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि फैसले की घड़ी अभी तक आई नहीं है। फैसले की जगह ये कमरा है और फैसले का वक्त रात। तीन दरिंदे मेरी नजर में हैं, दीपक, भल्ला और संपत। संपत तो मर चुका है। संपत मर गया? हाँ, मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बेचारा दिल का मरीज था, खौफ से ही मर गया। अब बारी है दीपक और भल्ला की। अब मैं जा रही हूं भल्ला से मिलने। शुक्रिया। तुम्हारे इंतजार में एक एक पल, एक एक साल लग रहा था। माफ कीजिएगा, मुझे आने में जरा देर हो गई, पर आपसे मिलना था तो जरा हार सिंगार में। तुम्हारा मतलब है ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया? और नहीं तो किसके लिए? तुम नहीं जानती आस्था ये रात मैंने कैसे गुजारी है। सब कुछ भुला दिया मैंने तुम्हारे लिए। हर वक्त मेरी नजर खड़ी पर थी, हर पल तुम्हारे आने का इंतजार, तुमसे मिलने की बेकरारी। पता नहीं तुमने कैसा जादू कर दिया है मुझ पर। आप क्या समझते हैं ये आग सिर्फ आपके दिल में धधक रही है? मैं भी तो जल रही हूं इस आग में। ठीक है, तो आज फिर मैं तुम्हें अपने अपने दिल का हाल बता ही देता हूं। बैठो। कहिए कहिए भल्ला साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? आस्था, मैं तुम्हें आज
अपने दिल की बात बताना चाहता हूं। कहिए। मेरे दिल की बात यह है कि तुमसे मिलकर तुम्हें देखने के बाद मैं पागल हो गया हूं। आस्था, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। भल्ला साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप जानते नहीं कि मैं शादीशुदा हूं? मेरे पति दीपक। दीपक, उसे तुम अपना पति कहती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसका धंधा क्या है? जो कुछ भी हो भल्ला साहब, है तो मेरा पति ना। लेकिन वो तुम्हें क्या दे सकता है? तुम्हारी इज्जत बेचकर दलाली खाएगा वो। आज मैं हूं, कल कोई और, परसों कोई और। और आप क्या देंगे मुझे? क्या चाहती हो तुम, बोलो। बंगला, गाड़ी, गहने, बैंक बैलेंस? आस्था, एक बार तुम हाँ कह दो तो मैं तुम्हें इस शहर से दूर, उस मनुष्य दीपक की नजरों से दूर, जहां तुम कहोगी वहां तुम्हारे लिए एक आलीशान बंगला खरीद कर तुम्हें हर खुशी दूंगा, हर सुख दूंगा। भल्ला साहब, मैं एक भारतीय नारी हूं, रस्म रिवाजों और परंपराओं से बंधी हुई हूं। कोई भी फैसला मैं इतनी जल्दी नहीं ले सकती ना। और फिर मुझे अपने पति दीपक के बारे में भी तो सोचना है। दीपक के बारे में क्या सोचना है? तुम्हारी जो कीमत मांगेगा दे दूंगा उसको मैं। ये लो, ये पेशगी उसे दे देना और उसे कह देना इसे 10 गुना ज्यादा रकम दूंगा मैं उसे। चलिए, मैं आपकी बात मान लेती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त नहीं आस्था, तुम हुक्म करो। कसम से ये समझो कि भल्ला बेमोल बिक चुका है तुम्हारे हाथों। बताओ क्या करना है मुझे? कल रात को आपको मेरे घर आना होगा। ठीक है, कल रात को मैं आऊंगा, लेकिन एक बात है, कल की रात उस लॉज में तुम्हारी आखिरी रात होगी। ओके भल्ला साहब, मैं भी आपको वचन देती हूँ कि कल की रात मेरी भी आखिरी और आपकी भी आखिरी रात होगी। जरूर आइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपका। आइए भल्ला साहब, आइए, आपका स्वागत है। सब ठीक है? हाँ भल्ला साहब, ये मुझे दे दीजिए। वैसे तुम्हारे लिए ही है। धन्यवाद, धन्यवाद भल्ला साहब। भल्ला साहब, आज तो आपका इंतजार कर रही है। हाँ आइए। आइए भल्ला साहब। आइए भल्ला साहब। आपको देखकर इन आंखों का इंतजार खत्म हुआ। वैसे इस कमरे की सजावट बिल्कुल बदल गई है। अच्छा, तो क्या आप पहले भी इस कमरे में आ चुके हैं? नहीं, एक बार पहले आया था बस। और आज आखिरी बार। आप ही के अल्फाज दोहरा रही हूँ। हाँ हाँ, इसका मतलब तुम्हारी दीपक से सारी बात हो चुकी है। भल्ला साहब,
भल्ला साहब, अब आस्था के सामने कोई राज तो राज रहा नहीं। अब आस्था के लिए जैसे मैं, वैसे आप। हाँ, मेरी नजर में आप दोनों एक समान हैं। आस्था, दरअसल मैं कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर अब मैं वो नहीं कहूंगा। अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है भल्ला साहब, जो कहना है मैं कहूंगी, जो करना है मैं करूंगी। खैर ये बताइए कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा, कैसी लग रही है ये सजावट कमरे की? आपकी खातिर ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से सजाया है। किस जुबान से तुम्हारी तारीफ करूं आस्था, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने से मामूली कमरे को तुम इतना खूबसूरत बना दोगी। वाह क्या बात है। जी मल्ला साहब, ये पुलिस इस लॉज में क्या कर रही है? ये पुलिस यहां पर कैसे आ गई? मैं गलत वक्त पर आ गया हूं, लगता मेरा यह रहना खतरे से खाली नहीं है। दीपक मैं चलता हूं, तुमसे बाद में बात करूंगा। भल्ला साहब मेरी बात तो सुनिए। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं बाद में मिलूंगा। भल्ला साहब, ये क्या हो गया? दीपक खोलो जल्दी। अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ये तेरी आवाज को क्या हो गया? अभी तो सिर्फ आवाज सुनी है तुमने, शक्ल देखोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। साबी? साबी? हाँ साबी, याद है वो रात जब इसी तरह तुमने मेरी इज्जत का सौदा किया था, मेरे जिस्म की कीमत देकर इस दरिंदे भल्ला को यहाँ भेजा था, लेकिन मैंने अपना जिस्म इसके हवाले नहीं किया था, याद है ना? हाँ, हाँ याद है। और तुम जबरदस्ती मेरा जिस्म हासिल करना चाहते थे, लेकिन मैंने इसी लॉज की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी, याद है ना तुम्हें? हाँ, हाँ याद है। तुम मेरे पति थे, अग्नि के साथ फेरों के साथ मेरी रक्षा करने का वचन देकर लाए थे। मैं चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रही थी तुमसे, लेकिन तुमने मेरी मदद नहीं की। मैं तुम्हारे सामने दम तोड़ रही थी, फिर भी तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, याद है ना? सच, सच है। मैं तो मर गई, लेकिन मेरी आत्मा यहीं भटकती रही। फिर मैंने इस कमरे में आस्था को देखा, मेरी आत्मा फिर से तड़पी। मुझे जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी मेरे सामने थी, बदले की घड़ी, इंतकाम की घड़ी, उनसे इंतकाम जो अपनी औरतों की इज्जत का सौदा करते हैं, उन मर्दों से इंतकाम जो मासूम और शरीफ लड़कियों को खरीदते हैं। अपनी मर्जी ना होते हुए भी कुछ लड़कियां मजबूर होकर हथियार डाल देती हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी तरह अपनी जान दे देती हैं। आस्था भी मेरी ही तरह की लड़की है, वो भी अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे देती। दीपक, भल्ला, मेरी मौत को तूने खुदकुशी का नाम तो दे दिया, लेकिन अब मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। दीपक, तुम अस्पताल भी गए तो मेरी ही वजह से। तुम इस कमरे के बाहर जिससे मिले थे वो आस्था नहीं, आस्था के रूप में मैं थी। ये सारा जाल मेरा ही बिछाया हुआ था। इस नीच और गंदे कारोबार में जितने भी लोग शामिल हैं उन्हें तो कानून सजा देगा ही, मगर जो मेरे मुजरिम हैं उन्हें मैं ही सजा दूंगी। संपत तो मर चुका है, लेकिन अब तुम दोनों की बारी है। नहीं साबी, साबी, साबी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। साबी, साबी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर इसी पर का है। नहीं साबी, साबी ये झूठ बोल रहा है। साबी, साबी मुझे माफ कर दो। नहीं,
कसूर तो तुम दोनों का है और सजा भी तुम दोनों को मिलेगी। जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दो साबी, माफ कर दो साबी, 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 नहीं साबी, साबी नहीं। भगवान, मेरी आंखों ने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ हैरत अंगेज ही नहीं, नाकाबिले यकीन भी है, मगर इसे झुठलाया भी नहीं जा सकता। आस्था, मैं आभारी हूं तुम्हारी, मेरी भटकती हुई आत्मा को शांति मिल गई और अब मेरी मुक्ति भी हो गई। पर अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें कुछ नहीं मिला, अपना सब कुछ खो दिया। आस्था जी, आस्था जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस खतरनाक गिरोह को उसके अंजाम तक पहुंचाने में कानून की मदद की है। मैं यह भी जानता हूं कि इस काम में आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आस्था जी, यह कारोबार समाज के लिए एक नासूर है, जहां औरतों को भेड़ बकरियों की तरह खरीदा और बेचा जाता है। धिक्कार है, धिक्कार ऐसे नीच और जलील लोगों पर जैसे कामों को अंजाम देते हैं। आस्था जी, ये महारोग यहां तो खत्म हो गया, मगर इसकी जड़ें बहुत गहरी फैली हुई हैं। हमें इसकी जड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकना है और आप इस काम को कर सकती हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं अकेली भला क्या कर सकती हूं? आप अकेली नहीं है आस्था जी, मैं आपके साथ हूं, हर वक्त, हर पल। आप? जी हाँ।